प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मिस सायरा नासिर। आज मैं आपको नज़्म हम्द के बारे में पढ़ाऊँगी। हम्द किसे कहते हैं? जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम्द वो नज़्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस नज़्म को पढ़ने से आप अल्लाह ताला की सिफात और कुदरते कामला के बारे में जान सकेंगे। अब आप अपनी उर्दू की दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 1 खोलिए, गौर से नज़्म को मेरे साथ पढ़िए और मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कीजिए। फिर इन अल्फाज को बार बार दोहराइए ताकि आपको अच्छे से जहन नशीन हो सके। इस नज़्म के शायर मौलवी इस्माइल मेठी हैं। अब हम नज़्म की पढ़ाई शुरू करेंगे। गौर से नज़्म पढ़ेंगे आप, मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजब पर लगाए, और फूल हैं इतर में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल लगाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियों कादिर। अब आप हम्द की तशरीहा देखेंगे। पहली तशरीह देखेंगे आप, पहला बंद देखिए। इस बंद में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम अशिया की तारीफ बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी चीज़ें बनाता है, और उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बनाता है कि सबका रंग एक दूसरे से अलग और खुशनुमा है। अब दूसरे बंद की तरफ देखिए। दूसरे बंद में शायर कहते हैं कि इस दुनिया की हर चीज़ अनोखी और मुकम्मल खूबसूरती के साथ बनी हुई है, जिसमें अल्लाह ताला की हिकमत नज़र आती है। बागों में छोटी छोटी सी कलियाँ खिल रही हैं, और खुशी के मारे चिड़ियाँ इधर उधर उछल कूद कर रही हैं। अब तीसरे बंद की तरफ आइए। तीसरे बंद में अल्लाह ताला की सनाई बयान करते हुए शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने चिड़ियों के उड़ने के लिए अलग किस्म के और तरह तरह के पर बनाए हैं। इसी तरह फूलों में ऐसी खुशबू रखी है कि इनकी महक दिलो दिमाग को अच्छी लगती है। ये अल्लाह की कुदरत है कि इन फूलों के रंग एक दूसरे से जुदा हैं। अब अगले चौथे बंद की तरफ देखेंगे आप। समझ में आ रहा है आपको? तवज्जो से सुनिए। चौथे बंद में शायर कहते हैं कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी से हर चीज़ साफ सुथरी और वाजे नज़र आती है। क्यों वाजे नज़र आती है? क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हर चीज़ नुमाया नज़र आने लगती है। और ये किसकी वजह से है? अल्लाह ताला की वजह से। अल्लाह ताला ने ही सूरज को बनाया है। इसी तरह रात होते ही आसमान पर स्याही फैलने लगती है और आसमान तारों से भर जाता है, जिससे इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने तमाम फलदार पौधे मिट्टी से उगाए हैं, जो कि हमें फल देते हैं और फूल देते हैं। अब आखिरी बंद की तरफ जाते हैं। आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला बेशक बहुत बड़ा राजिक है। सबको कौन रिज्क देता है? अल्लाह ताला।
इसने हमारे लिए दरख्तों की एक एक टहनी फलों से भर दी और गंदम के एक एक खोशे से में कई दाने भर दिए। ऐसे ही ना हम एक बीज बोते हैं और उसमें कितने दाने निकल आते हैं गंदम के। अल्लाह ताला ने हर चीज को नहायत उम्दा तरीके से बनाया है और ये सिर्फ उसी के दायरे इख्तियार में है। किसी आम इंसान के बस की बात नहीं कि वो उस जैसी कोई एक भी चीज बना सके। और बेशक वही ताकतवर और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। कवियों कादर यानी ताकतवर और हर शय पर कुदरत रखने वाला है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको नज़्म हम ज़हन नशीन हो गई होगी। अब आप इसकी तशरीह अच्छी से याद करें और मशकी काम बहुत आसान है, वो मैंने सारा तशरीह में बयान कर दिया है। आप अपनी कॉपी पर मशकी काम करें और वक्तन फोक्तन इसे दोहराते रहिए। इसमें आखिरी जो सवाल है वो ग्रामर का है और वो बहुत ही आसान है। पिछली क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हैं, मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इसम नकरा और इसम मारफा है। इसम नकरा किसी भी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं। मसलन लड़का, अब लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। शहर, कितने सारे शहर हैं कोई पता नहीं कौन सा शहर है। परिंदा, परिंदे बहुत से होते हैं, इसमें भी कोई कन्फर्म बात नहीं कौन से परिंदे की बात हो रही है। तो किसी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। मसलन लड़का, शहर, परिंदा वगैरह। और इसी तरह इसम मारफा किसी भी ख़ास शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। मसलन अली, लाहौर, चिड़िया वगैरह। सही समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से दोहराइए। इसी के साथ मैं अपना सबक के इख्तिताम को करती हूँ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।